हेलो गाइस, मैं सर्वाइवर गेमर आपके लिए लाया हूँ वीडियो। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्टोव, जिसका हम लोग प्यार से चूल्हा भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोग सोच रहे हो ये घर कहाँ से आया। मैंने इसकी वीडियो डाला था, पर मेरे यूट्यूब पे दिक्कत होने की वजह से आप तक नहीं पहुँचा और वो डिलीट हो गया, इसलिए मैं उसे नहीं डाल पाया, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज का वैसे हमारा मिशन है स्टोव कैसे बनाएं। तो स्टोव बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्टोर में जाके देखना होगा कि स्टोव बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो चलिए देखते हैं। वैसे हमें स्टोव बनाने के लिए टोटल पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पत्थर और वुड की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए पहले वुड काट लेते हैं, फिर पत्थर काट लेंगे, पत्थर मतलब लेंगे, उखाड़ लेंगे। वैसे स्टोव बनाने के लिए जो पत्थर चाहिए वो आपको पता नहीं होगा कहाँ से लेना है। तो चलिए पहले इस कुल्हाड़ी से जितना वुड चाहिए उतना हम काट लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना पत्थर निकालेंगे। वैसे आपको मेरा चैनल कैसा लगता है कमेंट में भेजिए और लाइक करें, शेयर करें। तो पहले आपको पत्थर बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा हथियार, लाइक हथियार हथियार। ये रहा स्टोव जो आप पे मेरे इसी के आप सामने देख रहे हैं, जिसे आप देखे थे कौन सा पत्थर है। तो उसके लिए चाहिए हमें हथियार, जो कि अब मेरे पास है। ये हथियार है जो मेरे पास है, पहले से बना था, मैंने बना लिया था वीडियो बनाने से पहले। तो चलिए वीडियो, मतलब मेरा थोड़ा जुबान फिसल जाता है उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले जो मैंने हथियार क्यों किया था उससे पहले काट लेंगे। वैसे जो हथियार था उसमें वुड ज़्यादा लगता था, तो उसके लिए आपको वुड चाहिए होगा और पत्थर चाहिए होगा और रोप चाहिए होगा। तो चलिए सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 16 वुड है। तो हमें वुड अभी बहुत सारे हैं मेरे पास, तो सबसे पहले हमें पत्थर चाहिए। तो पत्थर लेने के लिए आपको ये टीला टाइप में जो हो उतना बड़ा देखना पड़ेगा। तो उसके लिए चलिए हथियार को लेते हैं। ये हथियार आप एक क्यू करके रेड सिंबल का इंतज़ार कीजिए, अगर रेड सिंबल आ गया तो उस पर मारिए। तो मारने के बाद देखिएगा आपको मिलेगा ज़रूर पत्थर। तो देख सकते हैं वही पत्थर है ये। तो मेरे को मैंने वीडियो स्किप कर दिया और मेरा पुर चुका है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारा पुर चुका है। तो अब हम बिल्ड करने वाले हैं अपने किचन रूम में। तो चलिए आप ज़्यादा टेंशन में मत लीजिए, हमारा किचन रूम भी है, घर है तो किचन है, किचन है तो घर है। तो चलिए सबसे पहले अंदर जाते हैं और किचन रूम को थोड़ा देखते हैं। तो किचन रूम मेरा ये है, ये सामने वाला नहीं, उसके सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला मेरा किचन रूम है, तो चलिए इसे बिल्ड करते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमने इसे बिल्ड कर लिया है। तो चलिए बिल्ड करने के बाद इसे किचन रूम में लगाते हैं। ये रहा हमारा किचन रूम। तो चलिए पहले यहाँ पे बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे बिल्ड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारा बिल्ड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होएगा। ये साइड ठीक है, इसके थोड़ा सा परफेक्ट। आप चीज़ ने एक नोटिस किया, मेरे घर में ही बम्बू उग गया है। कोई बात नहीं, इसे हम साफ़ करेंगे। वैसे बीच में मैंने वीडियो स्किप कर दिया क्योंकि रात हो गई थी और रात मुझे एक रत्ती भी पसंद नहीं। तो इसके लिए मैंने ये मसाल बनाया। अगर आप जाते हैं सर्वाइवर एडवेंचर गेम खेलते हैं तो इसमें मसाल जाके बना सकते हैं। तो चलिए इससे क्या क्या बनता है। पहले तो अब फ्रेश वाटर बनता है, साल्ट बनता है, रोस्टेड मीट बनता है, बेरी टी बनता है, शुगर बनता है, फ्रूट मस बनता है और फ्राइड फिश बनता है। फ्राइड फिश मुझे एक बार बनाना है, देखना है कैसे बनता है। और फ्रेड ऑक्टोपस, अरे भाई साहब कुछ भी, ऑक्टोपस को कैसे फ्राइड करेंगे। और ये एनिमल फीड, एनिमल फीड के बारे में अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आपको। ये रहा हर्बल डिक्शन और एल्कोहल। तो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टाटा सी यू, जिए रहिए और कहिए जय हिंद। बाय बाय।